आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्मदिन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मार्केट मेन रोड दिल्लीहाल में मनाया गया, जिसमें सभी साथियों ने मिलजुल कर हिस्सा लिया। और आज के इस अवसर पर हम यही तमन्ना करते हैं कि आने वाला वक़्त जो है, ये जो कोरोना वायरस का जहर फैला हुआ है, इससे मुक्ति मिले और जो भी संगत बाबा जी के चरणों में नतमस्तक होती है उनका सबका, और बाकी जो ना भी नतमस्तक होते हैं उनका भी सबका भला हो। यह दिन मनाने का यही मतलब है कि हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर बाबा जी के चरणों के बाबा साहब के चरणों में श्रद्धांजलि दे। और यह सबसे बड़ी सोच यही है कि हम मिलजुल कर अमन और शांति का पैगाम पूरी दुनिया को दें। बाबा साहब यही चाहते थे कि सब एक दूसरे से मिलजुल कर रहे, क्योंकि गुरु रविदास जी भी उनका भी यही संदेश है, ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोटा बड़ा सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। तो बाबा साहब ने भी यही बोला है, क्योंकि कोई छोटा कोई बड़ा नहीं, क्योंकि बाबा साहब ने नारी जाति को बहुत ही बड़ा ऊंचा दर्जा दिया है, क्योंकि नारी का उद्धार करने वाले बाबा साहब ही हैं, क्योंकि इससे पहले नारी जाति को पांव की जूती समझा जाता था। तो बाबा साहब ने संविधान में ऐसा कुछ लिखा कानून में, आज नारी जो है आदमी से कंधा मिलाकर खड़ी है। इसलिए सबसे छठी श्रद्धांजलि यही है कि हम हिंदुस्तान की भलाई के लिए काम करें, सभी मिलजुल कर रहे। जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास, जय भीम, जय भारत। जय भीम, जय भारत। मैं अनिल बुद्ध। आज 14 अप्रैल 2021 बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पे हम सब जहां गंग्याल में ज्ञान कॉम्प्लेक्स में इकट्ठा होकर बाबा साहब की जयंती को सेलिब्रेट कर रहे हैं, और जहाँ के जितने भी जो लोकल लोग हैं सब लोग आ रहे हैं और बाबा साहब को जो है वो फूल माला चढ़ा रहे हैं और उनका संदेश जो है वो जन जन तक पहुँचा रहे हैं। बाबा साहब का जो सपना था, बाबा साहब का सपना था एक ऐसा समाज को निर्माण करना जिसमें इक्वलिटी लिबर्टी फ्रेटर्निटी जो है वो एस्टेब्लिश करना। तो आज बाबा साहब का जो संदेश देने की हम लोगों ने कोशिश की है, हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे बुज़ुर्ग रमेश जी ने इधर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था और हम सब इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ पे खड़े हुए हैं। आने वाले समय में हमारा ये प्रोग्राम जो है वो गांव-गांव तक जाएगा और बाबा साहब का जो संदेश है हम उसको घर-घर तक पहुँचाने का काम करेंगे, यही हमारा उद्देश्य है, और बाबा साहब के जो बताए हुए रास्ते पर चलना ही हमारा लक्ष्य रहेगा। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। इसके बाद एक और मैं संदेश देना चाहूँगा, इस प्रोग्राम के बाद जम्मू में अंबेडकर चौक पर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया है, जिसमें पूरी स्टेट के लोग आकर कोविड की जो गाइडलाइन है उनको फॉलो करते हुए बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। ये प्रोग्राम सुबह 8 बजे से शुरू हो गया और शाम को 5 बजे तक चलेगा। तो मैं सबसे ये आग्रह करना चाहूँगा कि उस प्रोग्राम में भी आए और बाबा साहब को श्रद्धा के फूल जो है वो अर्पित करें। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है, खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है, इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।